हाय फ्रेंड्स, ये फोर्थ वीडियो है सिलेबस एंड बुक्स फॉर आईएएस जनरल स्टडीज़ के रिलेटेड। इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ के पेपर फोर्थ के बारे में। अगर आपको लगे कि वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है तो आप उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें। पेपर फोर जिसके टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इस पेपर में, जनरल स्टडीज़ पेपर फोर में, बेसिकली ये कैंडिडेट्स का चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? एटीट्यूड कैसा, मतलब उसका एटीट्यूड कैसा, उसके बारे में ये पेपर के थ्रू टेस्ट होता है, जिसमें उसका अप्रोच टेस्ट होता है कि वो जो भी इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, मतलब जैसे कि जो अच्छे उसूल होते हैं, सच्चाई वाले उसूल होते हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई इशू होता है तो ये ऑफिसर, ये कैंडिडेट उसको किस तरह अप्रोच करता है और उसको सॉल्व करने के लिए, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका अप्रोच क्या रहेगा, और भी जो दूसरे इश्यूज़ और कॉन्फ्लिक्ट होंगे उसको ये किस तरह फेस करेगा, किस तरह डील करेगा, जो सोसाइटी के इश्यूज़ हैं। तो इसमें बेसिकली बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आपकी पर्सनालिटीज चेक की जाती है, फिर उसके बाद केस स्टडीज़ होती हैं। तो ये सब इसके, ये पेपर में ये सारी चीज़ें एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहली चीज़ है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। एथिक्स बेसिकली ह्यूमन नेचर, मतलब जैसे, सो बेसिकली एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस इस टॉपिक के ज़रिए, इस सिलेबस के ज़रिए चेक किया जाएगा कि एक कैंडिडेट्स की एथिक्स, यानी उसके नेचर प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप में कैसे हैं। फिर ह्यूमन वैल्यूज़ चेक की जाएंगी, मतलब जैसे वो जो भी, मतलब ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर और जो एडमिनिस्ट्रेशन इससे पहले के थे, उनकी लाइफ से उसने कितना क्या सीखा। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। इसको आराम से आप एक एक लाइन को, एक एक टॉपिक को आराम से पढ़ो, उसके बाद समझो। फिर मैं इसके बाद आगे आपको बताऊंगा बुक्स या इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। अभी एक एक जो हेडिंग्स है वो देख लेते हैं। उसके बाद की जो टॉपिक है वो है एटीट्यूड रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है, और पढ़ने के साथ अपने इंटरनली इसको डेवलप करना है। बेसिकली इस पेपर के ज़रिए यही टेस्ट किया जाता है, अगर आदमी के अंदर इंटरनली वो चीज़ें हैं तो वो उसकी राइटिंग्स और उसके आंसर में भी दिख के आएगी। तो इसको सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि इसको अपने अंदर डेवलप करना है। फिर उसके बाद एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के लिए क्या एप्टीट्यूड, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है। एप्टीट्यूड मतलब सलाहियत, यानी जो खूबी या जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली, उसको एप्टीट्यूड कहते हैं। तो जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ है सिविल सर्विसेज के, और सिविल सर्विसेज के लिए जो एप्टीट्यूड होना चाहिए वो कैंडिडेट के अंदर है कि नहीं। फिर उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कैंडिडेट की टेस्टिंग होगी थ्रू राइटिंग क्वेश्चन आंसर, जो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना पड़ेगा। इसके अलावा हमें जानकारी होना चाहिए जो मोरल थिंकर्स थे, फिलोसोफर थे अराउंड वर्ल्ड एंड इंडिया के भी, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे। फिर उसके बाद पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हमारा नेचर, हमारी एथिक्स, हमारी वैल्यूज़ जो है वो, ये एक इसमें और डिटेल में एक एक चीज़ दी हुई है। बेसिकली वो यही चेक करेंगे कि हमारी जो कैंडिडेट्स है उसकी मोरल वैल्यूज़ क्या है, क्या वो मोरल वैल्यूज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो कंटिन्यू रखेगा, या फिर उसकी एथिक्स वैल्यूज़ में कुछ डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, कुछ चेंजेस आ जाएगी। तो बेसिकली ये पेपर के थ्रू वो ये चेक करते हैं। इसके अलावा प्रोबिटी इन गवर्नेंस, मतलब जब वो गवर्नेंस के काम में है तो उसके काम में कितनी प्रोबिटी, कितनी सच्चाई है, कितनी वो ईमानदारी से कर रहा है, जो भी, मतलब चाहे वो लॉज हो, चाहे वो और जो भी हो, उससे वो कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। इसके अलावा ये ऊपर जितने भी इश्यूज दिए गए हैं उसकी केस स्टडी हमको पढ़ना है और केस स्टडी की प्रैक्टिस करना है। देख लेते हैं कि क्या बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं और भी क्या सोर्सेस हैं जिससे हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक्स हैं
एथिक्स इन गवर्नेंस रमेश अरोरा की लिखी हुई है, फिर लेक्सिकॉन की एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के ऊपर बुक है, फिर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जी सुब्बा राव की बुक है। एक बुक खरीदो, पढ़ लो, समझ लो, फिर उसके बाद अगर और आगे हो तो फिर दूसरी बुक खरीदो। मेरा सजेशन ये, बहुत सारी बुक्स खरीद लेना और फिर उसको जमा करना, पढ़ना नहीं, कुछ मतलब फ़ायदे की चीज़ नहीं है। इसके अलावा ये लिंक है, ये एक वेबसाइट है www.insightsonindia.com, ये उसकी पूरी लिंक है। इस पे भी आप जा सकते हो, चेक कर सकते हो। मुझे ये मतलब मैं बहुत फ़ायदेमंद समझता हूँ ये वेबसाइट को, और इसमें जो ये वेबसाइट जिनकी है उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत सारे रिसोर्सेस के लिंक्स वहाँ पे दिए, आप ऑनलाइन उनको पढ़ सकते हो, बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ है। तो अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है तो प्लीज़ आप उनके साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपका कुछ फीडबैक है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ करेक्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ योर फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।